ये पूरे ड्राई फ्रूट से रिलेटेड ही रहते क्या भाई? किससे? शुरू करिए भाई कुनाफा की। जी ये जो है कुनाफा है ये मिडिल ईस्ट का बहुत ट्रेडिशनल डेजर्ट है। जो है इसकी मेकिंग आप लोग देखेंगे, ये कुनाफा डो है, ये सारा और ये चीज है, व्हाइट जॉर्डन चीज बोलते हैं। ये चीज के नीचे क्या है? ये कुनाफा डो है जी। ये यहाँ कहीं रहता ना, इम्पोर्टेड है। आपको जो है ये कहीं पे नहीं मिलेगा, इसको हम लोग खुद बनाते स्पेशली सिर्फ कुनाफा के लिए जी। ये चीज भी बहुत मुश्किल है आपको बाहर मिलना, इसकी प्रिपेयरिंग भी हम लोग खुद करते जी जी। अब ये एक उसमें कितने प्लेट्स ऐसा बनते हैं, ऐसा कैसा है कैलकुलेशन, कैसा रहता है आपका? एक ये एक बड़ी ट्रे में जो है 20 पोर्शंस देते हैं आपको। कितनी देर पकाना पड़ता भाई? 10 मिनट लगेगा इसके लिए। तो उसके ऊपर टोटली कुक होके रेडी होने के लिए 10 मिनट लगेगा। तो इसके ऊपर और कुछ आएगा क्या इंग्रेडिएंट्स? अभी तो इसको जस्ट कुक करेंगे, इसके बाद में थोड़ा सा कुक होने के बाद में पिस्ता पाउडर ऐड करेंगे इसके ऊपर जी जी। इसके बाद में इसको फ्लिप करेंगे, फिर इसके ऊपर से आपको सिरप आएगा, फिर रस पिस्ता आएगा जी जी। रोटेट करने से क्या होता भाई? रोटेट करने से साइड से लूज होता है जी जी। अच्छा कहीं पे चिपकता सिरप है ये। अब जितना स्वीट चाहिए वो हिसाब से ऐड कर ले सकते शायद इसको बाद में भी। तो इसको ऐड कर देते हैं वो अब्सॉर्ब होने के लिए। उसके बाद में कस्टमर को जितना चाहिए कस्टमर उसका हिसाब से वो लोग डाल देते हैं।
ये पकलावा कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ का ये डेजर्ट है उसकी पूरी हिस्ट्री इस पर लगेगी है आपको। और इसके अलावा आपको स्वीट डिफरेंट टाइप पूरा ड्राई फ्रूट से हनी से और